राइट में आ चुका है छोटे से ब्लॉग के साथ में। आज मैं बना रहा हूँ मैगी, किसी के स्पेशल के लिए मैं कुछ मैगी बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं स्टार्ट हो चुका हूँ, थोड़ा लेट हो गया था वीडियो ऑन करने से। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी क्या क्या डाला। जैसे कि मैंने कॉर्न काट लिया हो और ये शिमला मिर्ची है, और मैंने पहले ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के मैं अपना ये मटर को और टमाटर को थोड़ा भून रहा हूँ, देख सकते हो आप। और इनको थोड़ा भूनने के बाद ये भी मैं डालूँगा, पहले ये अच्छे से भून जाए। बात बहुत लाजवाब मैगी बनने वाली है, क्योंकि मैं चिकन का पहले ये क्यूब डाला हूँ टेस्ट के लिए, आप देख सकते हो ये चिकन मैगी का क्यूब है। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने कॉर्न और कैप्सिकम भी डाल चुके हैं। अभी हम ये चारों इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को एकदम फुल पे रखे, क्योंकि थोड़ा जल्दी बनेगा। और इसके बाद थोड़ा चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी। अभी हम गाइस अच्छे से ये अब धुआं देख सकते हो, अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर पानी। तीन चार गुड़ बोले तो मतलब एक गिलास के करीब हो गया पानी, और अभी अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएगा और बॉयल होगा। तो ये जो भी हम लोग ने चारों आइटम डाले ये भी अच्छे से बॉयल हो जाएगी और खाने के टाइम में सॉफ्ट हो जाएगी गाइस। और ये मैं बना रहा हूँ एक खास इंसान के लिए, वो मैं इंशाल्लाह रात में रिवील करूँगा, लास्ट में सॉरी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा मसाला वसाला बना रहा हूँ गाइस, उसके बाद हम लोग मैगी डालेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, जो मैंने सबसे पहले कॉर्न, शिमला मिर्च और मटर टमाटर जो डाल के मैंने भुना था वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। और हमारा मैगी का पैकेट भी मैंने ओपन कर चुका हूँ, ये बड़ा मैगी का पैकेट है। इसमें से हम सिर्फ दो बनाएंगे, इसमें चार पीसेस रहते, हम लोग बनाएंगे दो, तो ये खाने वाले ऑलमोस्ट तीन ही जने हैं। चलिए गाइस, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ये चार मैगी हमने निकाल चुके हैं, और इसके बाद में थोड़ी सी ग्रेवी को थिक करेंगे। तो मैंने मसाले अलग से काट के रखा था मैगी के, तो ये मसाले मैं अभी डाल दूंगा पैन में और अच्छे से उसको मिक्सअप करेंगे और ग्रेवी को थिक करेंगे, क्योंकि मसाला जितना भुनता है तो उतना टेस्ट आता है खाने में गाइस। ये तो आप सुने ही रहेंगे और आप देखे भी रहोगे घर में। तो मैं इसको अच्छे से एकदम मिक्सअप करके, पूरा मिक्स करके एकदम अच्छे से स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे गाइस। तो आप देख सकते हो हमारा पूरी जो ग्रेवी थी, जैसा मैंने मसाला डालने के बाद आपको बताया था कि इसको मिक्स वेल करना, बहुत अच्छे से एकदम गाढ़ी हो गई। आप देख सकते हो बहुत ही जूसी लग रही है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर मैगी। ये हमारा मैगी आ गया, अभी हम इसके ऊपर रख दिए हैं और अभी हम डालेंगे वाटर। मतलब आप टोटली अगर देखेंगे तो हमने डेढ़ गिलास पानी डाले। अब ये मीडियम फ्लेम पे इसको हम रख देंगे, एक ज़्यादा नहीं 10 मिनट्स, तो ये मस्त हो जाएगा अभी गाइस। और ये देख रहे ना जितने ये अभी हार्ड है ना, ये अभी सॉफ्ट हो जाएगी एकदम और अच्छे से मेल्ट होके और इंग्रेडिएंट में मिक्स हो जाएगी गाइस। तो चलिए थोड़ा देर बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इसे ढकने जा रहा हूँ गाइस। तो गाइस चलिए अभी हम देखते उठा के कि मेल्ट हुआ क्या नहीं। ओहो गाइस ये तो बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू लग रहा है मैगी का, और ये पूरी तरीके से आप देख सकते हो मेल्ट हो चुका है। तो हम थोड़ा उसको मिक्स करेंगे और वापस से एक स्लो आँच पे हम इसको छोड़ देंगे गाइस। आप देख रहे हो क्या टेक्सचर लग रहा है गाइस मैगी का, और ये मैगी बहुत लोगों को काफ़ी पसंद आई है, मैंने बीच में घर में भी बनाया था। और बताइए गाइस कमेंट और लाइक कीजिए, और बताइए कि ये मैगी की एक छोटी सी रेसिपी कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं सब ब्लॉग्स बनाता रहूँगा कुकिंग का भी गाइस। चलिए अभी हम इसको ढक देंगे गाइस और फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो आप एकदम रेडी हो गई है, और ये आप जो होल देख रहे हो यहाँ से ना धुआं निकल रहा है बहुत गर्म गर्म, मेरे को चटका भी लगा। तो अभी अपन खोलेंगे गाइस और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का फेस। ओ हो, थोड़ा उसको चलाएंगे। अरे भाई ऑलमोस्ट हो गई है गाइस, ये हो गई है, क्या बात है। ओ हो, उसका धुआं बता रहा गाइस, ये हो चुकी है
एक नंबर खाने लायक हो चुकी है, अभी अपन निकाल सकते हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूँ जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो ये है गाइस, आप देख सकते हो ये ब्रिटानिया ब्रांड का द लाफिंग काउ क्रीमी चीज़ करके बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है। मतलब मैं हर ये सब चीज़ में इसको डाल के खाता हूँ, ये बहुत मुश्किल से मिली है, मैं काफ़ी दुकानें देखा तो जाके मुझे मिले। 10 रुपीज़ का पैकेट है, बहुत लाजवाब पैकेट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पास्ता वास्ता अगर घर में बनाते हो और फ्राइड चिकन ये सब बनाते हो तो आप इसको ट्राई करो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। 10 रुपये में एक नंबर, दिल खुश कर देती है। तो हम ये भी डालेंगे हमारे मैगी में और जो हमारा खास इंसान है उसको क्या पता है पसंद है या नहीं, देखते गाइस मैं आप लोग को बता दूँ। चलिए अभी सर्व करने का टाइम है क्योंकि मैगी हमारी हो चुकी रेडी और हम अभी फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस रेडी हो चुका है, दस्तरखान पे रख चुका हूँ और अभी मतलब रोहित तुमको ये पसंद आ रहा हो खास इंसान, सॉरी गाइस मेरी वाइफ है आप देख सकते हो। जान कैसा है? माशाल्लाह है ना। और लाफिंग काउ डालेगी जान कुछ चीज़? माशाल्लाह तो उसको पसंद है। चलो थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत कामयाब हो गई। चलिए गाइस आपको मैं खा के बताता हूँ कि कैसा लगा कैसा बना है। तो देख रहे हो गाइस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है, बहुत ही अलग तरीके से चीज़ गिर चुकी है। रूह इसको मेल्ट करो ना, मिला। ओहो तो गाइस अभी मैं बस चेकआउट करने जा रहा हूँ कैसी बनी और रूह भी। सो एक नंबर माशाल्लाह बनी, रूह कैसी बनी? सही बोल, एक नंबर बनी है। वाकई में चीज़ का मज़ा क्या आ रहा है, चीज़ का बहुत ही लाजवाब बनी और एक नंबर, मैं कुछ बता नहीं सकता। चलिए गाइस लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भाई उमान अलगाला ब्लॉग लेते आता रहेगा, थोड़े टाइम बाद लेके आता रहेगा। कमेंट में बताओ अच्छा।